केमिस्ट्री में संदीप शर्मा में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, जो आपको ले जाएगी जेई और नीट में सक्सेस की ओर। इसलिए चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 में आए हुए केमिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चन, जो पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ उसका स्क्रीन कोड, इसका स्क्रीन कोड है E1। तो हम E1 को करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल, ये MOT से क्वेश्चन है, और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन 92। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमें कॉमन आयन की प्रेजेंस में निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KSP = SC², और जब हम SC² से S निकालेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा KSP / C². तो ये KSP दे रखा और C है 0.1, तो डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सेकेंड। तो और इस क्वेश्चन का आंसर 93 क्वेश्चन हम देखते हैं, और उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हमने देखा तो सी करेक्ट है। अब सी सारी चॉइसों में ठीक है, लेकिन बी गलत है। ये 12 सिक्स मेंबर नहीं होती, ये 5 मेंबर्ड होती है। तो डी ब्लूइश कलर की गैस होती है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से फोर्थ सही होगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 94 में हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज दे रखा है, इसका केसी दे रखा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, या RT, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें लॉग नहीं दे रखा है, तो लॉग नहीं दे रखा है तो इसमें 2.30 नहीं आएगा, तो RT ln KC होगा, तो माइनस ज़रूर आएगा, तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ठीक है। हम चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 90, इसमें हमें कंपाउंड आइडेंटिफाइड करना है। NCERT का LDI चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लोरीन की रिएक्शन जब हम CH3 से करते हैं, तो अगर एक सी एल लगेगा तो अल्कोहल बनेगा, दो सी एल लगेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और तीन सी एल से एसिड बनता है। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड बन रहा है, इसलिए इसका आंसर थर्ड सही होगा। हम चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और IUPC नेम सही नहीं है। तो सीबोर्गियम 106 होता है, लॉरेंसियम 103, मेंडेलियम 101, इसलिए ये फोर्थ आंसर गलत होगा, ये सही करेक्ट नहीं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर की एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होता है, R = √3/4a, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट में ही दिख रहा है कि फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, √3/4a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। तो हमने देखा अमोनिया का डाइपोल मोमेंट फर्स्ट में होता है, ये हो नहीं सकता। हाइड्रोजन फ्लोराइड सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए नहीं इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। तो हमें फोर चॉइस मिल गई। फोर चॉइस में किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होगा। हम चलते हैं 98 की जगह 99 की तरफ। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो वो हमसे कह रहा है कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा। तो बच्चे यहाँ सल्फेट से SO2 को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सल्फेट कभी भी एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होता। जब सल्फेट और नाइट्रेट आ जाए तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। हम चलते हैं
हम डिस्कस करते हैं फिर नया क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस। जब भी कोई कीटोन ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो टर्शरी अल्कोहल बनाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं और कहते हैं किस एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, किस सल्फर के एसिड में परऑक्साइड बर्न होगा, तो ये होता है पर डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ओ नो, क्रोमियम प्लस टू का हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। क्रोमियम प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4 4s0, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। आइडियल गैस अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है, ठीक है ना, तीनों दो में 0 है, दो में 0 है। अब हम चलते हैं एडियाबेटिक में क्यों 0 होता है, तो फिर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम, तो हम केएफ और एम को इनटू करेंगे, दोनों को इनटू करने पर अप्रोक्स आंसर 0.39 के आसपास आ रहा है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फैराडे लॉ से है या फैराडे से रिलेटेड है। कैल्शियम के ऊपर बैलेंस शीट 2 है, इसलिए 2 फैराडे से 40 ग्राम डिपॉजिट होगा। ये हमसे 20 ग्राम के लिए पूछ रहा है, 1 फैराडे आंसर होगा, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से लिया हुआ है। रिएक्शन बेंजल्डिहाइड और एसीटोन फिनोन की डाइल्यूट एनिमाइड्स देखकर दो ही रिएक्शन समझ में आती हैं, एक कैनिजारो और एक एल्डोल। दोनों ही एल्डोल कैनिजारो चॉइस दी हुई है, कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एसीटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, तो क्रॉस एल्डोल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट बढ़ जाती है, इससे इसका कोई लेना देना है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हीट ऑफ रिएक्शन ही होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है और हमसे वो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पर N2 और आर्गन के बेड दिए हुए हैं और N2 का पूछ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 7/28, नीचे आ जाएगा 7/28 प्लस 8/40 आर्गन का और इंटू 27 बार, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर 15 बार मिलेगा। हम चलते हैं इसमें से आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं हो सकता क्योंकि रॉट आयरन में 0.2 से कम होता है, ब्लिस्टर कॉपर में CO2 नहीं है SO2 निकलती है, वेपर फेज रिफाइनिंग निकिल के लिए मॉन्ट प्रोसेस यूज करते हैं, तो 3 गलत है, तो 4th ही सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल कैटायन से क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आंसर नहीं होता तो इसमें प्लस आई है ही नहीं, तो इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। हम चलते हैं 113 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। कौन सा कैटायनिक डिटर्जेंट है, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है ये सिट्राइल अमोनियम ब्रोमाइड और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं पूरी साल तैयार। एलिमिनेशन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंटुइन, इसका मतलब बीटा एलिमिनेशन हुआ है, सही है। बीटा एलिमिनेशन अंदर से हो तो जेड सेफ होता है
और इसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन ये सही हैं। डिहाइड्रेशन हम फिनॉल अल्कोहल के केस में करते हैं, तो ए बी और सी मतलब फर्स्ट सही है, ठीक है ना। इसमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा? क्लोरो और ब्रोमो इथेन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, बेंजीन और टॉलोइन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म हमेशा ही नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, फर्स्ट हम चलेंगे। हमें देखना है इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है CO, फिर NO, CO के बाद CN और फिर NO2, ठीक है ना। तो CN दो चॉइस में और फ्लोरीन सबसे बीकर होता है, तो फिर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, तो इसमें से बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन होगा, बाकी एलानिन एसिडिक होता है, और ये दोनों सेरीन और ट्रायोसिनेज में OH होता है, तो ये तीनों ही एसिडिक होते हैं, सिर्फ लाइसिन में NH2 होता है। हम चलेंगे नेक्स्ट। जब हम HCl को इसमें से पास करेंगे तो इनमें से कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसने HCl को एक्सेस में पास किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तीनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अगर ये इसमें से चॉइस नहीं होते तो फिर इसका आंसर ये होता कि इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हम आगे चलते हैं, कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, तो फर्स्ट पॉलीमर नेचुरल है, ये नेचुरल रबर का नेम है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हम चलते हैं 120 क्वेश्चन। सीओ के लिए कौन इसमें रॉन्ग है, तो फर्स्ट सही है, दूसरा भी सही है, ये गलत है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने इसमें देखा और हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, तो मुझे इस डायरेक्ट ही दिख रहा है इस दोनों में सेम नहीं है, जबकि दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होती है। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो दोनों ही में ही जीरो आएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें दो चॉइस में से तो कोई दिखता नहीं है, तो एंट्रोपी भी कम हो रही है और वो भी कम हो रहा है, तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। हम चलते हैं, जीटा पोटेंशियल डायरेक्ट है, रटने वाला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। जब हम कॉपर की रिएक्शन यूरिया से वाटर के साथ कराते हैं, यूरिया वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया देगा, और अमोनिया कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर टेट्रा अमोनियम का ब्लू प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि सारी चॉइसें नहीं दिख रही हैं। तो हमने देखा सिंथेसिस गैस CO और उसको सिंथेसिस गैस कहते हैं, तो ए का थर्ड होगा, तो दो चॉइस ये हो सकती है, ठीक है ना, थर्ड भी हो सकती है। टेम्परेरी हार्डनेस को हम फर्स्ट की वजह से होती है, तो हमने देखा बी का फर्स्ट है, तो हमको फर्स्ट में ही आंसर मिल गया, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमें इसमें मैचिंग करनी है, ठीक है ना, मैचिंग करनी है, तो Al2 तो Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर होता है, तो सी का आंसर फोर्थ होगा, और सी का आंसर फोर्थ एक तो इसमें दिख रहा है, ठीक है ना,
सीओ न्यूट्रल होता है तो इसका सेकंड होगा तो दूसरा भी मिल गया, और Cl2O3 7 डी का एसिडिक होगा तो इसका आंसर बच्चों सेकंड हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम देखते हैं 32 क्वेश्चन, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का तो हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 4606 इंटू 10⁻³। ऊपर 2 आएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 2.2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो मल्टीप्लाई करने पर 500 सेकेंड आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो कौन सी एल्कीन या कौन सा कंपाउंड ओजोनोलिसिस पर एल्कीन से मिथेनल देगा। तो मिथेनल के लिए किसी कॉर्नर पर एल्कीन होनी चाहिए और वो भी CH2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर एक ही दिख रहा है कि एक में ही ये CH2 लगा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन में अच्छी यील्ड नहीं देगा। वुड्स रिएक्शन से हम कभी भी ऑड वाला नहीं बना सकते इसलिए इसका आंसर एन हेप्टेन हो जाएगा। तो हम चलते हैं फिर नए क्वेश्चन की तरफ, और नया क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है ना। एनिसोल की रिएक्शन HI से, ये आजकल क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में पूछे जा रहा है, जाइसेल मेथड है, ठीक है ना। तो I की रिएक्शन जब हम एनिसोल से कराएंगे तो I जाकर ये जुड़ेगा और फर्स्ट की आंसर आ जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चनों के आंसर हम देख रहे हैं फर्स्ट की बनाए हैं, लगता है बहुत जल्दी में पेपर बनाया है एग्जाम वाले ने। बोर्स मॉडल के लिए देखते हैं, बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस ये है कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाइड होता है और नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें अप्लाइड नहीं होगा। हम चलेंगे